हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू एक्स माइनस 3 आर एट राइट एंगल्स देन द लोकस ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, एक ऐसा पैराबोला है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू एक्स माइनस 3 और आपको लोकस ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। दैट मीन्स ये पॉइंट हो गया एच के, जहाँ से क्या है टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ये कितना है 90 डिग्री। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, तो हम एक पैराबोला के केस में जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, पी का लोकस डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है आपका। ठीक है, अदरवाइज हम ऐसे फाइंड करते हैं, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो y इक्वल टू क्या होता है mx, तो m y इक्वल टू mx प्लस a बाय m जो लोकल टेंजेंट है, तो y इक्वल टू m x के प्लेस पे क्या है यहाँ x माइनस 3 प्लस a बाय m। a कितना है 4a इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 4, तो ये हो गया आपका 4 बाय m, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सिंस दिस टेंजेंट पासेस थ्रू पॉइंट एच कॉमा के, सिंस दिस इक्वेशन, दिस टेंजेंट पासेस थ्रू पी एच कॉमा के, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा के इक्वल टू एम ऑफ एच माइनस 3 प्लस 4 बाय एम। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन हम बना लेते हैं के एम इक्वल टू एम स्क्वायर एच माइनस 3 प्लस 4। सो एम स्क्वायर एच माइनस 3 के एम इस साइड ले आए, के एम प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से m का दो वैल्यू है m1 एंड m2, क्योंकि m स्क्वायर क्वाड्रेटिक में है, तो हमको m1 m2 क्या दे रखा है -1, ये हमको गिवेन है m1 m2 इक्वल टू -1, क्योंकि राइट एंगल से इसका स्लोप हम m1 ले लिए, इसका स्लोप m2, तो प्रोडक्ट कितना हो गया -1 90 डिग्री पे। और m1 m2 यहाँ से क्या हो जाएगा 4 अपॉन एच माइनस थ्री इक्वल टू -1। इसको सॉल्व कर देना है, तो ये हो गया आपका -h+3 इक्वल टू 4, तो ये हो गया आपका h- h और ये 4 साइड आ गया -1 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज h+1 इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, लोकस क्या मिला h+1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x+1 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो x+1 इक्वल टू 0 ये आपका आंसर हो जाएगा, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।